अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल लर्निंग एंड फन। दोस्तों आज की वीडियो लैपटॉप के बारे में। मेरे पास पड़ा हुआ है डेल लैपटॉप जिसमें विंडो 10 इंस्टॉल है। जब मैं उसको स्टार्ट करना चाहूँ तो एक एरर मैसेज दिया जा रहा है और मेरी विंडो जो है वो आगे नहीं खुल रही मेरे सामने। ये आप देख सकते हैं, योर डिवाइस रेन इंटू अ प्रॉब्लम एंड नीड टू रिस्टार्ट, वी विल रिस्टार्ट फॉर यू। और इसको बार बार रिस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए क्या करना है उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ। सिंपल आपने उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ज़्यादातर लोग स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, फिर गिला शिकवा करते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांस ऑप्शन मोड में ले जाना है अपने कंप्यूटर को। उसके लिए क्या करना है, आपने 2 से 3 बार, 4-5 बार भी हो सकता है, आपने जब आप अपने लैपटॉप का पावर बटन प्रेस करें और अपने लैपटॉप को ऑन करें तो फिर विंडो आइकन आने तक आपने इंतज़ार करना है। फिर से आपने अपने लैपटॉप को पावर बटन से फोर्सफुली शट डाउन करना है और फिर स्टार्ट करना है। 3-4 बार आप करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो ऑटोमेटिक रिपेयर में चली जाएगी। उसके बाद एडवांस ऑप्शन मोड में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने कंप्यूटर को कई बार पावर बटन से फोर्सफुली ऑफ किया और फिर स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। तो ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। इसके कई वजूहात हो सकते हैं, 3-4 रीज़न्स हो सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो अगर आपका लैपटॉप जो है वो विंडो 10 या कोई भी विंडो, बड़ी विंडो वो सपोर्ट नहीं कर रही है और आपने इंस्टॉल की हुई है तो भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा आपने कोई ऐसा गेम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है कि वो आपका रैम वगैरह सपोर्ट नहीं कर सकता तो भी आ सकता है। उसके अलावा अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, तो भी आपको ये मसला पेश आ सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हम चले गए एडवांस ऑप्शन मोड में। ऑटोमेटिक रिपेयर के बाद एडवांस ऑप्शन मोड में ये चला जाता है। हमने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शंस पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है 3रे नंबर पर नीचे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ पर आपने कमांड देना है sfc /scan now और उसके बाद एंटर करना है, जो कि हमारा तकरीबन 5 से 6 मिनट तक का वक्त ले सकता है। इसका आपने इंतज़ार करना है। जब ये 100% कंप्लीट हो जाए, अब जो 10% में चल रहा है, तो फिर आपने दूसरा कमांड दे देना है। कोई भी लफ्ज़ आप कैपिटल स्मॉल करके भी आपका ये प्रोसेस जो है वो यूजलेस हो सकता है, इसलिए आपने एहतियात से कमांड देने है। उसके बाद देना है chkdsk /f/r/c:, और इसके बाद एंटर पे आपने क्लिक करना है। जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ले सकता है 5 से 10 मिनट तक। आपके कंप्यूटर के रैम पे डिपेंड करता है कि रैम आपके कंप्यूटर में कितना है। जब ये कंप्लीट हो जाए थोड़ी देर में, तो फिर आगे आपने इसको एग्जिट करना है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट भी की ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। या आपने सिंपल एग्जिट करना है EXIT और उसके बाद एंटर करना है ताकि ये एग्जिट हो जाए। अब आपने करना है कंटिन्यू टू विंडोज़ 10। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू विंडोज़ 10, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और विंडो आपकी बिल्कुल ठीक होगी। पहले जो मसला आ रहा था वो अब नहीं आएगा। याद रहे, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इसका हल भी अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और किसी के लिए यूज़फुल नहीं होगी। तो अगर किसी के काम आए तो लाइक कमेंट ज़रूर देना, और किसी के काम ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना ताकि उसी तरह का हल हम निकाल सके। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें
दुआओं में याद रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।